If you don't welcome God in the summers of your life, then He will not come in the winters of your life. Get the man with the plan right here. Bring it swagger with the man right here. क्या हाल है तुम्हारे घर? ठीक है सारे? वेलकम टू TS Funky Vlogs. अच्छा लगता है ना बोलने में? हाँ, तो आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है. तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में. हनुमान जी का मंदिर है जिन मैं मानता हूँ. तो अगर अच्छे काम की शुरुआत अच्छी चीज़ से हो जाए तो उससे बढ़िया क्या ही चीज़ है. अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से मंदिर थोड़ा दूर है, ज़्यादा नहीं, बस 15-20 कदम दूर है. जाना है मेरे को. या तो मैंने आशीर्वाद ले लिया है. इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू डोंट वेलकम गॉड इन द समर्स ऑफ योर लाइफ देन ही विल नॉट कम इन द विंटर्स ऑफ योर लाइफ. इसका मतलब यह है कि अगर आप भगवान को अपनी खुशी में याद नहीं करते तो वो दुख में क्यों आएंगे? सेंस बनती है ना इसकी, वो आएंगे नहीं दुख में, राइट? आना भी नहीं चाहिए. अगर कोई तुम्हें सुख में याद ना करे, सिर्फ दुख के लिए बुलाए, तो तुम भी नहीं जाओगे, राइट? तो मैंने व्लॉग क्यों शुरू किया? देखो इसके तीन कारण हैं. एक तो कि मेरा रूटीन पूरा बिगड़ गया था. मैं उठता बहुत लेट था, सोता लेट था. सो इसके बहाने मेरा रूटीन सुधर जाएगा, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी थोड़ी सी. एंड इफ़ आई विल ट्राई टू डू डेली व्लॉग्स देन उससे और भी अच्छा बेनिफिट होएगा. सो आई विल ट्राई टू मेक अ डेली व्लॉग्स. एंड सेकंड ये है कि मेरे को मतलब एक और ट्राई मारना था, कोज मेरा जो ओरिजिनल चैनल वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है. तो मे बी क्या जा रहा है जाने में, है ना? एक और ट्राई ले लेते हैं, क्या पता कब क्या चल जाए. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. एंड थर्ड ये है कि तुम्हें भी पता लग जाएगा मैं क्या करता हूँ. वैसे दरअसल मैं कुछ करता नहीं हूँ, आई डोंट ट्रैवल अ लॉट. तो बेसिकली मेरी घर की फैमिली लोग ही हो सकता है मे बी, क्योंकि आई डोंट ट्रैवल अ लॉट. दैट्स फैक्ट कि मैं चलता भी नहीं ना, मैं घूमता हूँ ज़्यादा ना, मैं ऐसे कि रोज़ नाइट आउट वगैरह रह, नथिंग, जस्ट कैजुअल और रो व्लॉग्स होंगे मेरे. अगर देखना हो सकता है तो तुम देख सकते हो, राइट? ये क्वाइट कन्फ्यूजिंग पेड़ था बचपन से. मेरे को लगता था छुई मुई है, लेकिन छूने से मुई नहीं होती. मेरे को मतलब है कि छूने से ऐसे सिकुड़ती नहीं है, कन्फ्यूजन है. जैसे संतरे और मौसमी में कन्फ्यूजन होता है ना, वैसे इसमें. अभी मैं जहाँ पे हूँ, अगर तुम्हें जगह मैं दिखाऊँ तो वो जगह है, खास इस जगह की ये है कि जब भी मैं और मेरा दोस्त जिनका नाम है मित्र हर्षित छाबड़ा जी, हम अगर कभी मिलते हैं तो हम इस बेंच पे बैठते हैं, यहाँ पे आकर मिलते हैं. सो, इसलिए मैं आता हूँ, यहाँ पे कंफर्टेबिलिटी लगती है. तो चलिए अब घर चलते हैं, वरना मम्मी पूछेगी कहाँ था इतनी देर से. ओके चलो. ड्यूड आई रियली लाइक दिस सड़क, बाय द वे सुंदर है, सटीक है, लंबी है. क्या हिंदी बोलते हो ना? मैं हिंदी का मास्टर. वाह, झाड़ियाँ हैं साइड में, हरा हरा ग्रीनरी, ऊपर से अच्छी सड़क. वाह. मेरे पास दोस्त का फ़ोन आया था मेरे. तो वी आर प्लानिंग कि हम कल स्कूल जा रहे हैं अपने रिजल्ट के बाद टीचर से मिलने. काफ़ी टाइम हो गया ना उनसे मिले हुए. तो टीचर्स के साथ स्कूल चल ही रहे हैं, तो अभी हम उनसे मिलने जाएंगे और रिजल्ट वगैरह बताएंगे उनको कैसा आया हमारा. तो लेट्स सी, अभी शाम को टाइम करेंगे हम कंफर्म, फिर चलते. भी आज का अच्छा हो रहा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, और बारिश का भी मतलब कोई आसार नहीं है बारिश आने के. लगभग गर्मी ही रहेगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी ना के बराबर होगी. जिस दिन बारिश पूरे दिन आती है तो उस दिन ठंड हो जाती है, और जिस दिन थोड़ी सी आके चली जाती है तो फिर उस दिन ह्यूमिडिटी छोड़ जाती है तो और गर्मी होती है. मतलब आज का वेदर परफेक्ट है, ना धूप भी है ज़्यादातर बाहर और ना ही छाँव, मतलब नॉर्मल है. अभी फ़ोन आया दोस्त का, कहते हैं हम नहीं जा रहे. दो तीन लड़के से सबसे पूछा, कोई नहीं जा रहा. अब मैं अकेला थोड़ी ना जाऊँ. पहली बात तो तुम प्लान बनाते हो फिर कैंसिल कर देते हो. तुम बनाते क्यों अगर तुम्हें कैंसिल ही करना है लास्ट में? प्लान ही मत बनाया करो. अच्छा खासा प्लान बन रहा था कल जाने का, स्कूल में जाते आराम से मिलते, बट नहीं, कैंसिल करना है ने लास्ट में आके. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया. चलिए मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं कल. कल के व्लॉग में मिलते हैं सुबह 6 बजे, रोज सुबह 6 बजे वीडियो आएगी, ठीक है? सुबह. ओके बाय.